अखिल भारतीय रैगर महासभा के महामंत्री छतर सिंह रछोया ने हिंदू दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी अगली सुनवाई 1 मई को दिल्ली के 30,000 कोर्ट में की जाएगी। राम की मूर्तियां लगाने का प्रोग्राम आ सकता है तो मेरी मूर्तियां क्यों हटाई जाए? तो हमारे को इसलिए इस बात को जब कह के जिस मायावती के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई विकास नहीं किया और इतने करप्शन के चार्जेज लगे, वो भगवान राम के मुकाबले नहीं हो सकती। हमारे दलित समाज में, हिंदू समाज में बहुत ही इस बात से ठेस पहुंची। हमने नांगली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जब शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हमने 30,000 में अपनी याचिका दाखिल की। आज हमारी याचिका माननीय न्यायालय ने एडमिट कर ली, एक्सेप्ट कर ली है और कंसिडरेशन के लिए 1 मई 2019 के लिए लगा दी। हम माननीय न्यायालय का शुक्रिया करते हैं, इन्होंने हमारी बात को माना, हमारी बात जायज़ थी और जो भावनाएं को ठेस पहुंची है इसका मुकदमा दर्ज करने के लिए 1 मई को डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसा हमें न्यायालय पे विश्वास है। और बैन लगाने के लिए भी हमने प्रार्थना की है कि ऐसे बयानबाजी पर बैन लगना चाहिए और BSP की जो मान्यता है उसका रद्द करना चाहिए। और उन्होंने, कोर्ट ने उनको मूर्ति के जो रिकवरी फंड के लिए भी कहा था और उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है उसी वो भी लगी है, भगवान राम की भी लगी है और आपका अदर स्टेट में भी जैसे मूर्तियां लगती रहती हैं, तो उसको लेके उन्होंने कहा था कि वो फ़ंड हम वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के लीगल तरीके से कमेटी बिठा के फ़ंड इशू करवाया था। तो ये जो है भाई, एक तो जिंदा आदमी की मूर्ति लगे, एक तो बिल्कुल ही अलग बात है, एक जस्टिफाइड बात भी नहीं है ना कि जो लोग संसार में नहीं रहे, चाहे वो वल्लभ भाई जी हों, चाहे कोई भी महापुरुष रहा हो, जिंदा आदमी और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेज लगे, वो व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्ट, जो हमारे हिंदू समाज में पितृ माने जाते हैं अपने महापुरुषों को, बुजुर्गों को, उनका मुकाबला मायावती के साथ नहीं हो सकता, इसलिए ठेस पहुँचे लोगों को। और हमें भी इस बात का बड़ा दुख हुआ, हमारी भावनाओं को बड़ा चोट लगी, आहत हुआ है, तो इसलिए हमने न्यायालय में गए और आज न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया, इसके लिए हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।